नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर। जी हां, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में आपको मैं बता दूं कि शिवराज सरकार के लिए बहुत चुनौती भरा ये कह सकते हैं चुनाव है, और चुनाव जीतने के लिए शिवराज सिंह चौहान को क्या रणनीति बनानी है और कैसे चुनाव जीतना है ये उन्हें तय करना है। आपको मैं बता दूं, देखिए मध्य प्रदेश में देखिए किसानों के गुस्से में हलके में लेना भारी पड़ा शिवराज, यानी कि देखिए किसान का मामला इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है। आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से ओलावृष्टि की वजह से किसानों की जो फसलें हैं वो ख़राब हो गई थी, और कहीं ना कहीं जिस तरह से किसान नाराज़ हैं कि सरकार उन्हें सही ढंग से मुआवजा नहीं दे रही है, तो ये सब चीज़ें इस और दर्शाती हैं कि किस तरह से किसान शिवराज सरकार से नाराज़ है, साथ ही साथ बीजेपी से भी नाराज़ है। अगर मैं खबर की तरफ रुख करना चाहूँ तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मध्य प्रदेश विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव को दिसंबर में होने वाले चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा था। बीते बुधवार को कांग्रेस ने मुंगवाली और कोलारस उपचुनाव में शानदार जीत हासिल करके दिसंबर के फाइनल से पहले का सेमीफाइनल जीत लिया। जी हां, मध्य प्रदेश में जो 2 उपचुनाव हुए कोलारस और मुंगवाली में, तो शानदार जीत हासिल करके देखिए दिसंबर के फाइनल से पहले का सेमीफाइनल जीत लिया है कांग्रेस ने। इन दोनों सीटों पर जीत के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने राज्य में लगातार 4 उपचुनाव जीत लिए हैं, वो भी केवल 10 महीनों के अंदर। मुंगवाली और कोलारस से पहले पार्टी ने 2017 में अटेर और खजुराहो की सीट पर सफलता प्राप्त की थी। राज्य में 14 साल से शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ी हार है, क्योंकि कोलारस और मुंगवाली उपचुनाव को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए दिसंबर की विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा था। इन सीटों के चुनाव परिणामों ने दोनों पार्टियों को उनकी जमीनी हकीकत से रूबरू करवा दिया। देखिए किसानों का मामला जिस तरह से उठा और जिस तरह से शिवराज सरकार ने किसानों को हल्के में लिया, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान को हल्के में लेने का बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है शिवराज सिंह चौहान को। 2 उपचुनाव हुए, दोनों उपचुनाव में भारी हार का सामना करना पड़ा, साथ ही साथ जनता का रुख जिस तरह से बदल गया है और जनता ने ये दिखा दिया है कि अब की बार सरकार बदलने के मूड में है जनता। अगर खबर की तरफ रुख कर लेता हूं, देखिए शिवराज सिंह चौहान उनकी जो चमक है वो फीकी पड़ रही है। सीएम के ताबड़तोड़ दौरे, उनके मंत्रियों का प्रचार, प्रशासनिक अमले की मदद, किसान महासम्मेलन में किसानों को किए गए वायदे, मंत्री परिषद में बदलाव और भवांतर भुगतान योजना जैसे उपाय भी यहां बीजेपी की नैया पार लगाने में सफल नहीं हो सके और दोनों पार्टी कह सकते हैं और पार्टी दोनों सीटें हार गई। भोपाल के जम्बूरी मैदान में किसान महासम्मेलन में 12 फरवरी को दिए गए अपने भावुक भाषण के दौरान शिवराज ने कहा था कि संकट की घड़ी में ही नेता की पहचान होती है। मैं रोने वाला सीएम नहीं हूं, आप लोग ओलावृष्टि से हुए नुकसान की चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ किसान भाइयों। लेकिन उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि मुंगवाली और कोलारस के किसानों ने शिवराज की इस अपील को कोई तवज्जो नहीं दी। उपचुनाव परिणामों की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण यादव ने अपनी बातचीत के दौरान बताया कि शिवराज सिंह के प्रभाव, उनके कैबिनेट मंत्रियों के धुआंधार प्रचार, पूरे प्रशासनिक अमले की मदद, धन बल और फर्जी वोटरों के बावजूद बीजेपी दोनों सीटों के वोटरों का विश्वास नहीं जीत सके। यादव के अनुसार मतदाताओं ने विकास के नाम पर शिवराज के बड़े झूठे वादों और बीजेपी को नकार दिया है और अब मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है जिसे कांग्रेस पार्टी देने के लिए तैयार है। देखिए जी हां, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस बार बदलाव की स्थिति देखने को मिल रही है।
हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि वो किसानों के साथ हैं, उनकी जो परेशानी है, उनकी जो दिक्कतें हैं, उनको वो दूर करेंगे, लेकिन कहते हैं कि जनता बार बार बहकावे में नहीं आती और जनता जब अपना फैसला सुनाती है तो अच्छे अच्छों के पसीने निकल जाते हैं। ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने भाषण तो दिया और किसानों का समर्थन जुटाने की कोशिश तो की, लेकिन किसानों ने उन पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि बीते साल मंदसौर में जिस तरह की घटना हुई थी, वो घटना कहीं भी कहीं ना कहीं आज भी किसानों के दिल पर है और कहीं ना कहीं वो उस घटना को भूल नहीं पाए हैं। साथ ही साथ और किसानों के साथ जिस तरह की कह सकते हैं उनके साथ की जा रही है, उनके साथ जिस तरह की लापरवाही बरती जा रही है, उनका आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ जिस तरह का भेदभाव किया जा रहा है और साथ ही साथ मुआवजे के नाम पर उन्हें छोटी रकम दी जाती है और तमाम तरह के फिजूल काम किए जाते हैं, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किसान नाराज़ है और अब की बार हो सकता है कि शिवराज सरकार सत्ता में ना आए और अब की बार कांग्रेस जीत दर्ज हासिल कर ले। देखिए, रिपोर्ट्स की तरफ अगर मैं बात कर लेता हूँ तो कांग्रेस ने उपचुनाव की दोनों सीटों मुंगवाली और कोलारस को बचाने में सफलता प्राप्त की, यानी कि कांग्रेस ने जो मध्य प्रदेश की दोनों सीटें थी और जिस तरह से उपचुनाव जीत लिए, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की नाक ऊपर हो गई है और कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार जनता लाना चाहती है। मुंगवाली में कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह यादव ने बीजेपी के बाई साहब यादव को 21-23 यानी कि 2123 वोटों से और कोलारस में महेंद्र यादव ने बीजेपी के देवेंद्र जैन को 8086 वोटों से पराजित किया। 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान इन दोनों सीटों पर भी कांग्रेस का ही कब्जा था। मुंगवाली से कांग्रेस के महेंद्र सिंह कालूखेड़ा ने उस समय से ये सीट रिकॉर्ड 20,765 वोटों से जीती थी और कोलारस पर राम सिंह यादव ने कब्जा जमाया था। इन दोनों नेताओं के निधन की वजह से ये सीटें खाली हुई थी और यहाँ उपचुनाव करवाया गया था। अब देखिए, इस हार ने मध्य प्रदेश के कृषि संकट पर फिर से ध्यान दिला दिया है। उपचुनाव के परिणाम प्रदेश में रहने वाले किसानों के बुरे हालातों की ओर इशारा कर रहे हैं। पिछले साल जून में राज्य का मंदसौर जिला बड़े पैमाने पर भीड़ द्वारा की गई हिंसा का केंद्र बिंदु बना हुआ था। सरकार के लाख आश्वासनों के बावजूद भी कोलारस और मुंगवाली के किसान अपने गुस्से को भूल नहीं सके। नतीजा बीजेपी के खिलाफ रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मुद्दे का हल निकालने के लिए बहुप्रचारित योजना मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत किसानों को उनके उस नुकसान की भरपाई करना था जो उनकी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य के अंतर को पूरा करता, लेकिन इस योजना से किसान खुश नहीं थे क्योंकि इससे महज 6.4% किसानों को ही फायदा पहुंच रहा था। किसानों के गुस्से को शांत कराने के लिए कोलारस और मुंगवाली उपचुनाव से पहले सरकार ने एक किसान महासम्मेलन का आयोजन भी किया था, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से जनता अब की बार कांग्रेस की तरफ रुख कर रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि अब की बार मध्य प्रदेश में रुख पलटने वाला है, यानी कि बाजी पलटने वाली है और अब की बार कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ सकती है, यानी कि अब की बार शिवराज सरकार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं और अब की बार शिवराज सरकार हो सकता है सत्ता से बेदखल हो जाए। जी हाँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगर रिपोर्ट्स की तरफ मैं बात करूं, देखिए मुद्दे का हल निकालने के लिए बहु प्रचारित योजना मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत किसानों को उनके उस नुकसान की भरपाई करना था जो उनकी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य के अंतर को पूरा करता, लेकिन इस योजना से किसान खुश नहीं थे क्योंकि इससे महज 6.4% किसानों को ही फायदा पहुंच रहा था। किसानों के गुस्से को शांत करने के लिए कोलारस और मुंगवाली उपचुनाव से पहले सरकार ने एक किसान महासम्मेलन का आयोजन किया था। भावांतर योजना की शुरुआत से ही इस योजना की आलोचना किसान, कृषि विशेषज्ञ और राजनीतिक विरोधी कर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कृषि मंत्री रह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री सोम
पाल शास्त्री ने फरवरी में ही अपनी बातचीत में कहा था कि सरकार की इस योजना को किसानों के लिए छलावा बताते हुए भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि इस योजना का आने वाले चुनाव पर व्यापक असर पड़ेगा। देखिए, जिस तरह की योजनाएं शिवराज सरकार ने बनाई तो सही, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये योजनाएं धरी की धरी रह गई और जनता ने अपना रुख साफ कर दिया। कहीं ना कहीं किसान जिस तरह से गुस्से में है और किसान का जिस तरह का कह सकते हैं उनका जो गुस्सा देखने को मिल रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि अब की बार शिवराज सरकार सत्ता से बेदखल होने वाले हैं और अब की बार बीजेपी नहीं जबकि कांग्रेस चुनाव जीतने वाली है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसको चुनाव करती है, लेकिन अब की बार जो मुकाबला होगा विधानसभा का वो बहुत ही कांटे भरा होगा। बहरहाल तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।